नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेट अस सपोज आप लोगों को ना एक वाटर पार्क डिज़ाइन करने की कंपनी में जॉब मिल गई, ठीक है, तुम कि झूले डिज़ाइन करने हैं आपने ना जी, मतलब कि वाटर पार्क में लोग जाएंगे और फन करेंगे और गोल 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 स्लाइड बनानी है आपने, बस बंदे को ऊपर से फेंक देना है 40 फुट 50 फुट, पानी चल रहा होगा और वो आएगा और वो गोल गोल पाइप में से घूम घूम के उठा के बाहर फेंक देंगे। ये प्रॉब्लम है। तो आपको प्रॉब्लम दी गई कि ये एक मान लो वाटर स्लाइड है, आपको ये बताना है कि वाटर स्लाइड की हाइट क्या रखे, उस ऑब्जेक्ट को या उस बंदे को यहां से फेंकना चाहता हूं मैं, सच दैट ये वो पाइप है या ये वो स्लाइड है जिसमें से वो इस तरीके से सर्कल में घूम के जाएगा। हाँ, आप इसको गोल भी कर सकते हो और ताकि वो यहाँ जाए और वो बिल्कुल उल्टा होकर नीचे गिरेगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने इसको बना दी बहुत बड़ी और सोचो यहाँ सा एक बंदा गया यार, वो पहुँच ही नहीं पाया, यहाँ पानी में गिरा ही नहीं, ये तो फेल हो गया यार, टिकट नहीं बिकेगी हमारी, क्योंकि यहाँ से गया वो बीच में फंस गया, फिर चार लोग उसको उठाने जा रहे हैं, फिर पानी में गिरेगा ही नहीं, तो उसको क्या मज़ा आएगा, उस गिरना तो पानी में चाहता है, और पानी में गिरने के लिए उसको एक सर्कल कंप्लीट करना ही पड़ेगा, राइट, क्लियर है। तो बताओ आप कितनी हाइट से इसे गिरेंगे ऑब्जेक्ट को जिसका मास m है, ये क्वेश्चन है, ताकि ये एक चक्कर पूरा कर जाए ऑफ रेडियस r, ये क्वेश्चन है, ये सेंटर है, मतलब पूरा चक्कर कंप्लीट कर जाए, एक ही चक्कर बस, ज़्यादा तेज ना फेंकना, कहीं पता लगे यहीं आके गिर जाए, तो मतलब गिरना उसको पानी में ही है पर एक चक्कर के साथ, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका मतलब अब आप जॉब कर रहे हैं यार, आपको पैसे मिलने इस बात के, लगाओ दिमाग, पर पहले क्या सोचोगी, मैं यहाँ वेलोसिटी कितना रखना चाहता हूँ, अंडर रूट ऑफ 5 RG, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा रख दी बहुत तेज़ गिर सकता है वो, तो मेरे को एक ही चक्कर कटवाना है, तो मैं ऐसे डिज़ाइन करूँगा कि यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी होगी वो मिनिमम रखी जाएगी √5 GR, ताकि वो एक चक्कर पूरा काट जाए, क्योंकि मेरा काम उसको यहाँ लेके जाना है, उसके बाद तो उसमें गिरी जाना है, ठीक है यहाँ तक। तो लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, √5 GR, मानते हैं इस चीज़ को, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो ये बात समझ में आती है, आपको हाइट निकालनी है। अब आपको दो वेलोसिटीज पता हैं और हाइट निकालनी है, मतलब ही नहीं है कि फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज हो जाए, कौन सी फोर्स में कौन सी वेलोसिटी यूज होती है, होती नहीं है। फिर कोई मुझे कहने लगा सर एक काम करते हैं v² - u² 2as लगा देते हैं, बिल्कुल मत लगाना, स्ट्रेट लाइन मोशन ही नहीं है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, डिस्प्लेसमेंट का चक्कर पड़ता रहेगा, मत लगाना। तो फिर एक ही तरीका है, दो वेलोसिटीज का रिलेशन और हाइट का रिलेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। तो तुम एनर्जी कंजर्व करो, क्योंकि आप इसमें ग्रेविटी के फेवर में या ग्रेविटी के अगेंस्ट कहीं भी जाओ तो टोटल, इसको ग्राउंड मान लो, ये ग्राउंड मान लो, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक लोएस्ट पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, एंड सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इस पॉइंट पर विल रिमेन सेम। तो एक वहां से एक वो पॉइंट ले लो और एक नीचे का पॉइंट ले लो, तो जब हाईएस्ट पॉइंट लेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू बोलो क्या लेंगे, mgh, और काइनेटिक क्या लेंगे, 0, राइट, और पोटेंशियल ग्राउंड पे क्या लेंगे, 0, काइनेटिक क्या लेंगे, √5 GR का स्क्वायर। समझ में आ रहे हैं यहां तक, तो काइनेटिक पोटेंशियल इक्वेट कर दिया, तो यहां से अब इक्वेट करेंगे तो mgh + 0 = 0 + ½ × m × √5 GR का स्क्वायर, ये कट गया, m से m भी कट गया, चेक करो हाइट क्या आ रहा है, क्या ये हाइट आ रही है, चेक करो, आएगी आएगी, आंसर याद है मेरे को, 2.5 R। समझ में आ रहा है कि कैसे डिजाइनिंग होती है। अब सीधा कैसे कोई कंपनी आपको जॉब पे रख लेगी, ये तो बताओ, मैं फ्रिक्शन नहीं ली तुमने, बिना फ्रिक्शन के काम कर गए, पानी की कुछ तो फ्रिक्शन रेजिस्टिंग फोर्सेस होती हैं, तो कुछ तो वो करता ही होगा, कंपनी में बैठ के डिजाइन कर रहा है, कुछ तो सोचता ही होगा कि क्या करना है, इसलिए हाइट और भी ज्यादा ऊपर रखी जाती है ताकि और स्पीड एक्वायर हो और फ्रिक्शन को ओवरकम
किया जा सके, पर हमें बिना फ्रिक्शन के करना है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? तक क्लियर है? तो ये क्वेश्चन करने के बाद एक और क्वेश्चन आता है इस टाइप के झूले पे, वो भी देख लो फिर साथ ही, वो भी लिख लो। ये क्लियर है यहां तक? लिख लिया? ठीक है, तो नेक्स्ट है, सपोज करो आपके पास सेम केस है, ये ट्रैक है, ये ट्रैक है, और ये जो ट्रैक है, ठीक है, ये एक ट्रैक है, और एक ऑब्जेक्ट को फिर वैसे ही यहीं से गिरना है आपने, कहीं से नहीं, यहीं से गिरना है, ये लो, तो ये नीचे आया। पर इस बार क्वेश्चन ये है कि ये ऐसे 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 घूम रहा है, जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट को क्रॉस कर रहा होगा विद द वेलोसिटी ऑफ वी, ये टॉप मोस्ट पॉइंट को क्रॉस कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ वी, और वी यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी नहीं है, कुछ भी वेलोसिटी है, तेज घूम रहा है, मिनिमम को छोड़ो, वी वेलोसिटी मैंने दे दी आपको, तो बताओ ये नॉर्मल रिएक्शन क्या लगा रहा है फ्लोर पे? ये जोर लगा रहा होगा, ये बंदा जो जाएगा ना जोर लगाएगा स्लाइड के ऊपर, बहुत जोर लगाएगा, स्लाइड भी तोड़ सकता है। तो ये जोर क्या लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी ये आपको पता नहीं है, पहले बताओ नॉर्मल रिएक्शन यहां पे बनेगा कहां, नीचे के ऊपर, टुवर्ड्स द सेंटर के ऊपर, मतलब आपने नॉर्मल रिएक्शन ऐसे भी कभी देखे है नीचे की तरफ के ऊपर होगा ऐसे? ये ठीक बना है, क्योंकि इसके लिए फ्लोर छत है, ये बंदा ऐसे स्लाइड कर रहा है, इसकी फ्लोर छत है, तो नॉर्मल रिएक्शन नीचे ही बनेगा। अगर फ्लोर ऐसे होगा तो ऊपर है, फ्लोर ऐसे है तो नीचे है, तो कोई बात नहीं बनाते हैं। हाँ ये देख, बना के दिखाता हूँ, तो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो एम जी एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो जोर लग ही नहीं रहा उस तरीके से जैसे तू सोच रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पर एम जी कहाँ एक्ट कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड ही है, इसकी स्पीड जो है वो इस तरीके से इसका डायग्राम बनाएगी। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो पता क्या बनेगी, एन प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पता क्या बनेगी, एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी। तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो नहीं होगा अगर दोनों नीचे ऐड कर रहे हैं, तो समझ ये नहीं नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा, एन की वैल्यू फिर भी आ रही है इसमें, कितनी, एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी। तो बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन जनरेट पता है कौन कर रहा है, एम वी स्क्वायर बाय आर की वजह से जनरेट हो रहा है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन यहां पूछूं क्या होगा, इसका वेट अब नीचे है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, और मान लो इसकी वेलोसिटी यहां वी डैश है, तो यहां इक्वेशन क्या बनेगी, एन माइनस एम जी इज एम v डैश स्क्वायर बाय r। तो n की वैल्यू यहां पर mg प्लस एम वी डैश स्क्वायर बाय r, सही है? नॉर्मल रिएक्शंस देखो, ये जोर सरफेस पे लग रहा है यहां पे ऐसे, नॉर्मल रिएक्शन नीचे, वेट तो है ही नीचे, इन दोनों का सम सेंटर की तरफ है, तो सेंट्रीपेटल प्रोवाइड कर रहे हैं, यहां पर n माइनस एम जी सेंट्रीपेटल प्रोवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन तो ये आएगा पेपर में कि तुम्हें ऐसे मान लो टॉप, मान लो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है, तुम्हें कहेगा कि मैं तुम्हें ना दो ट्रैक दे रहा हूं, एक बड़ा ट्रैक है, एक बड़ा ट्रैक है जिसका ये रेडियस है, और एक छोटा ट्रैक है जिसका छोटा रेडियस है। दो ट्रैक दे रहा हूं, दो झूले दे रहा हूं, रेडियस बड़ा रेडियस छोटा। तो जब ये लोएस्ट पॉइंट पे होगा क्वेश्चन आएगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, तो दोनों में से किस फिगर में नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा लगेगा, किस में कम लगेगा? तो तुमने इनकी फोटो देख के ना रेडियस पता करना है किसका बड़ा किसका छोटा है। जिसका कर्वेचर बड़ा है, रेडियस बड़ा है,
कर्वेचर छोटा है, रेडियस छोटा है, तो फिगर में दिखेगा जिसका रेडियस छोटा है उसकी ये टर्म बड़ी है, ये टर्म बड़ी है उसका नॉर्मल रिएक्शन बड़ा है, और जिसका रेडियस बड़ा है उसकी ये टर्म छोटी है उसका नॉर्मल रिएक्शन छोटा है। मतलब मन में ये इक्वेशन याद करनी है, समझनी है, और वहाँ से रेडियस की वैल्यू को देख के आप नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हो, किस फिगर में बड़ा किस फिगर में छोटा है। ऐसे क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, तो ये सोचने का तरीका होगा जब वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा।